ओवर का, छह ओवर का मैच दोनों के बीच में। टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर बांदेश्वर एससी मड़गांव क्रिकेट टीम। तो पहली गेंद अंपायर का इशारा, अपने रनअप पे थोड़ा सा चुके और वापस निकले। दो फील्डर है बाहर, एक वाइड लॉन्ग ऑन और एक डीप मिडविकेट बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद जो सीमा रेखा पर तैनात। बल्लेबाजी और सामने गेंदबाजी, पीके स्पोर्ट्स रेडी क्रिकेट टीम। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, लेकिन तब तक एक सिंगल के लिए निकले। रंजन केणी ने अपना और अपने टीम का खाता खोला इस एक रन के साथ। टॉस जीता, बल्लेबाजी कर रही है जो दर्शक है उपस्थित है इस मैदान पर। दोपहर के सत्र में आप सभी का स्वागत है बांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी में, और जो दर्शक tenniscricket.in से यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कॉमेंट्री बॉक्स में। मैं अशोक नाइक, मेरे साथ श्याम कलंगुटकर, योगेश परब और स्कोरिंग की जानकारी देते हुए त्रिवेणी सावंत और इससे पहले जुड़ चुके थे यश किंदलेकर। तीन अंपायर रुपेश गावस उर्फ बालो, योगेश उर्फ मुन्ना दाबोलकर और उन्हीं के साथ सर सुशांत साळगावकर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर कट करना चाहते थे, लेकिन अच्छी किस्मत गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा नहीं लिया। गेंद चली गई विकेट कीपर, विकेट कीपर के साथ सिली मिडॉन और सिली मिडॉन के साथ मिडॉप और मिडॉप के साथ एक बार फिर से मिडॉन के साथ गौरेश कंबड़ी के हाथों में। SSDJ बहुत ही शानदार साउंड सिस्टम। और कल का सेमीफाइनल का पहला मैच होगा जो ठीक 2:30 बजे होगा, 2:30 को। हाफ वॉली पर लेकर एक सुंदर कवर ड्राइव, रनआउट का खतरा जी, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौका ज्यादा था, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत ही तुरंत पलटे थे, गेंद को हाथों में सफाई के साथ फील्ड किया था, पलटे थे, थ्रो किया था विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन शानदार तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। रंजन केणी एक बार फिर से स्ट्राइक पर और सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रणव सावल, ये जोड़ी मैदान पर। बांदेश्वर SC मड़गांव क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। ओवर पिच गेंद, एक बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर, क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे दोनों बल्लेबाज जी, खतरा होगा स्ट्राइक पर। ओ हो, देखना होगा क्या हुआ मैदान पर, और अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर, बिल्कुल देखा जाएगा, थोड़ा सा करीबी मामला है। रंजन केणी शायद आखिर में, देखना होगा फिलहाल क्या हुआ है मैदान पर, लेकिन नॉन स्ट्राइकर इन पर फील्ड से दूर थे मेरे ख्याल से प्रणव सावल, बहुत दूर थे, लेकिन थ्रो हुआ था स्ट्राइक इन पर, शायद कोशिश रही होगी जो रंजन केणी की विकेट, वो बहुत कीमती विकेट है, वो लेने की कोशिश और उसी के लिए एक थ्रो हुआ था। देखा जा रहा है बिल्कुल tenniscricket.in से क्या हुआ मैदान पर, रनआउट या नॉट आउट, देखना होगा क्या होता है। फिलहाल पहला इनाम है 4,44,444 जो पुरस्कृत किया है सरपंच आदरणीय सर एडवोकेट अमित जिसावन जिनके ओर से, जो उन्हीं के साथ प्रशांत उर्फ बाला नाइक जिनके ओर से जो पहला इनाम इस प्रतियोगिता का, और देखना होगा क्या हुआ मैदान पर। तो बिल्कुल नॉट आउट, बिल्कुल तो सेफ है अपने पकरीज में रंजन केणी, बाल बाल बच गए वहां पर मेरे ख्याल से, लगभग खतरे में थे। दो रन मिले स्कोर के खाते में। जो दूसरा इनाम है 3,33,333, तीसरा इनाम है 2,22,222, वो पुरस्कृत किया है वेल विशेष जिनके ओर से, और चौथा इनाम 1,11,111 जो डिक्सन डिसोजा जिनके ओर से, जो आप जर्सी देख रहे खिलाड़ियों के बिल्कुल शरीर पर, वो सर किरण सावंत पंच मेंबर मांद्रे। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर हटकर खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर रंजन केणी, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। इन मेमोरी ऑफ लेट हिज फादर सर श्री अर्जुन सावंत, और जो पूरी टूर्नामेंट के जर्सी वो सर पंच मेंबर मांद्रे किरण सावंत जिनके ओर से, आप सभी का धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स में से। फुल टॉस गेंद, थोड़ा सा हवा में शॉट लॉन्ग ऑन पर फील्डर, देखना होगा पहला रन दूसरे के लिए, पलटे दोनों बल्लेबाज, फिर से सुंदर थ्रो, फिर से खतरा था प्रणव के लिए, शायद विकेटों के बीच में थोड़ी सी परेशानी हो रही है ओपनिंग जोड़ी को, रंजन केणी और प्रणव सावल को, एक दो बार कर भी मामला हो सकता था। पहला ओवर समाप्त हुआ पावर प्ले का, 6 ओवर का मैच है और स्कोर हो चुका है 6 रन बिना किसी नुकसान से।
तो सेमीफाइनल का पहला मैच होगा 2:30, 2:30 बजे, दूसरा सेमीफाइनल का मैच होगा 4 बजे, और उसके बाद एक दोस्तों एक बिल्कुल यादगार मुकाबला रहेगा जो रण झुंझार वैभववाड़ी क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ गोवा लीजेंड्स यानी डैजलिन क्रिकेट टीम, जो बिल्कुल वो मैदान पर आपको देखने को मिलेगी। नितिन लिंगुड़कर और उन्हीं के साथ रुपेश गावस, दत्ता नाइक, संजू नागवेकर और उन्हीं के साथ एक बिल्कुल हमें फर्क जो कि फक्र की बात हो, गर्व की बात है, वो सर परेश बर्डे जो कि वो भी दिखाई देंगे, जो आईपीएल में आपने देखा है अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ वो भी मैदान पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरी ओर होगी किरण खतकर के साथ अविनाश रायकर, प्रवीण देसाई, पिंटू शिकलागार, संजय होगाड़े, ये खिलाड़ी देखने को मिलेंगे इस मैदान पर। लेकिन फिर से इस बार एक बार मैदान पर जुट जाते हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर बॉलिंग में परिवर्तन, जितेंद्र नागो जी आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। ऑन साइड पर फाइन लेग पर फील्डर, शॉर्ट फाइन लेग पर। तो आज दूसरी बार सुबह के सत्र में 100 से आज ज्यादा रन देखने को मिले, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, वाइड बॉल, तो टोटल मिले 2 रन स्कोर के खाते में। बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीतकर बांदेश्वर क्रिकेट टीम, मड़गांव क्रिकेट टीम, बांदेश्वर एससी, और सामने मुकाबला पीके स्पोर्ट्स रेडी। ओवर पिच गेंद बल्ले से निचले हिस्से से लगी, गेंद उतनी दूर नहीं निकली, विकेट के ऊपर तेजी के साथ गेंद पर हावी होते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। कई दर्शक जुड़ चुके हैं बिल्कुल वेंगुर्ला से इस मैदान पर, कई दर्शक रेडी गांव से जो कि इस मैदान पर, आप सभी का स्वागत है कॉमेंट्री बॉक्स में से। मांद्रेन चैंपियंस ट्रॉफी, बैकफुट पर कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में अतिरिक्त रन के साथ बांदेश्वर एससी मड़गांव क्रिकेट टीम के। पीके स्पोर्ट्स सामने गेंदबाजी कर रही है, टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है बांदेश्वर मड़गांव क्रिकेट टीम। ओ बढ़िया शॉट, बैकफुट पर कट किया, इस बार डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए डीजे। रंजन केणी का इस बार कारपेट के साथ खेला, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, देखना होगा। मिड ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बिल्कुल कई जो कि शॉट है बिल्कुल ट्रेडमार्क है, निशान है सनम साळगावकर का, बिल्कुल रिवर्स का शॉट, स्विच हिट का शॉट, बिल्कुल उनका मनपसंद शॉट है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थोड़ा सा फील्डिंग को परिवर्तन कर रहे, वाइडेश लॉन्गन, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्डर, और सामने प्रणव सावल सामने स्ट्राइक पर। ओ आगे निकलकर गेंद के लाइन से बीट हुए, एक अच्छा यॉर्कर, बोल्ड हुए, पहली सफलता मिली मैदान पर पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम को। डीजे
गेंदबाजी तेज गेंदबाजी देखिए आप सभी ने सभी सुबह के सत्र में और रंजन केडी मैदान पर एक शानदार चौका स्क्वायर कट का कवर पॉइंट बाउंड्री पर अब तक लगा चुके हैं। फिलहाल सामने गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से जितेंद्र नागोजी एक ब्रेक तो दिलाते हुए एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को अंपायर से गार्ड लेते हुए और एक लेफ्ट हैंडर बैटर सुजीत देवड़ी स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। पावर प्ले का ओवर दो फील्डर है बाहर एक लॉन्ग ऑन पर और एक है डीप मिड विकेट पर। ओवर पेज के लेफ्ट एक शॉट गेंद हवा में वाइडेस लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर सिक्सर छह रन के लिए। ठीक है बेहतरीन शॉट हाफ वाले पर लेकर ओपर ओवर पिच गेंद पर बड़े शॉट के साथ अपने खाते की शुरुआत की सुजीत देवड़ी ने। राउंड एकड़ इस बार बल्ले से निचले हिस्से से लगी गेंद शॉट पाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दो बेहतरीन टीमों के बीच में मैदान पर एक पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम तो सामने बांदेश्वर एससी मलगांव क्रिकेट टीम। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ जो दो ओवर का छह ओवर का मैच है दोनों के बीच में और दो ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 21 लॉस ऑफ वन विकेट 21 रन एक विकेट के नुकसान पर दो ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी में परिवर्तन होगा और उसी के साथ मैदान पर फील्डिंग में परिवर्तन होगा। थोड़ी सी चर्चा हो रही है खिलाड़ियों के बीच में कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी किनके हाथों में सुपुर्द की जाए। पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम के ओर से शुरुआत रही थी गौरेश कांबड़ी की। गौरेश कांबड़ी के बाद दूसरा ओवर जितेंद्र नागोजी और देखना होगा तीसरे ओवर के लिए कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। जो पावर प्ले का खेल था छह ओवर का मैच है वो समाप्त हुआ और तीसरे ओवर के दिखाई देते हुए गेंद हाथों में अक्षय राणे आ चुके गेंदबाजी करने के लिए और सामने बल्लेबाजी कर रहे सुजीत देवड़ी। कल का दिन जरूर यादगार रहा सैयद बद्दी की तोड़फोड़ की बल्लेबाजी क्या बल्लेबाजी के सैयद बद्दी ने। उससे पहले दिन रहा था शुभम झा का निहाल मांद्रेकर उन्हीं के साथ राकेश कोरगावकर और पहले दिन में बिल्कुल साहिल आरुलकर सबसे 100 से भी ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में। कल के दिन में और एक बात जरूर जो कि 56 रन यानी पहला अर्धशतक इस प्रतियोगिता में जो बनाया था गौतम वर्य वेंगुर्ला क्रिकेट टीम की ओर से वासुदेव गावड़े ने। हैट्रिक देखने को मिली पहली हैट्रिक सचिन पाट जी की उसके बाद बसवराज मदार एक मेडन ओवर के साथ साहिल घाटवल राजाराम वर्जस तलवड़े क्रिकेट टीम की ओर से और रोहन नाइक जो रिलायंस आरुंदा क्रिकेट टीम की ओर से एक हैट्रिक। आगे निकले ड्राइव के गेंद हवा में कब मिड ऑफ पर लेकिन कैच का मौका नहीं मिला शायद अपने शरीर को बिल्कुल झाक दिया गेंद के ऊपर रन को बचाया एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में लेकिन थोड़ी से आगे गेंद गिर चुकी थी शायद। दोस्तों आप इस मैदान पर बिल्कुल डाइव्स लगा सकते हैं मेरे ख्याल से इतना अच्छा मैदान है उसकी उतनी आपको परेशानी नहीं होगी इस मैदान पर। आप चोटिले जरूर नहीं हो सकते इस मैदान पर क्योंकि थोड़ा सा ग्रास है मैदान पर और वो आपके लिए अच्छा है फील्डिंग के लिए। एक सिंगल के साथ एक बार फिर से रंजन केनी स्ट्राइक पर आ चुके हैं और सामने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर अक्षय राणे। शॉर्ट आर्म पॉल ऑन साइड पर फील्डर कैच को पकड़ नहीं पाए देखना होगा चार या छह का इशारा होगा अंपायर का और बिल्कुल बिल्कुल ये स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली। वाइड स्लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर सिक्सर छह रन के लिए छह रन और जुड़ गए स्कोर के खाते में। बांदेश्वर एससी मड़गांव क्रिकेट टीम रंजन केने के हाथे में छह रन चौका लगा था उसके बाद छक्का लगाया और इन छह रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 28 लॉस ऑफ वन विकेट 28 रन एक विकेट के नुकसान पर। छोटे गेंद पुल किया डीप स्क्वायर लेग पर एक गगनचुंबी सिक्सर छह रन के लिए। डीजे
फुल टॉस, एक लेफ्टेड शॉट, गेंद हवा में, मिड ऑन पर फील्डर कैच को पकड़ा। अब टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, ताकत नहीं लगी, लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले से नीचे लगी, रंजन केनी वापस, एक बड़ा विकेट चटकाते हुए मैदान पर। पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम और स्कोर बोर्ड पर टोटल 34, 34 रन दो विकेट के नुकसान पर डीजे। कर रही है पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम। ओ, गति में परिवर्तन, थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद, जल्दी खेल बैठे, घूमकर मारना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। स्कोर 34, 34 रन, खेल जारी, तीसरे ओवर का मुकाबला 6 ओवर का दोनों के बीच में। अच्छी गेंद, इस बार हल्के से खेला, गेंद को अब पुश किया, सिलिमिट अप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 6 ओवर का मैच है, 3 ओवर का आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन दो विकेट पर, 22 रन बनाए रंजन केनी ने, उससे पहले प्रणव सावल आउट हुए सिर्फ 1 रन बनाकर। सुजीत देवड़ी जो बल्लेबाजी, एक छक्के के साथ 8 पर, राजा नाटेकर ने अब तक खाता नहीं खोला है। चौथे ओवर की शुरुआत मैदान पर अब होने जा रही है। चौथे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में परिवर्तन, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और बॉलिंग मार पर रोहित तुळसकर, केळुसकर, रोहित केळुसकर आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। 3 ओवर 34 रन दो विकेट पर, 6 ओवर का मैच है, 70 का टोटल। एक अनुमान कमेंट्री बॉक्स में, बिल्कुल कई कई सभी सही साबित होते हैं, कभी कभी गलत साबित होते हैं। और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुजीत देवड़ी, ऑप्टम से बाहर छोड़ा, अच्छी गेंद इस बार, एक बिल्कुल लाइन से अंदर से गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ा सा नजर जरूर डाली थी अंपायर पर लेकिन एक अच्छी गेंद थी, सही गेंद थी। डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई बॉलिंग बार पर रोहित केळुसकर अगली गेंद लेकर दैन्यात से ओवर द विकेट। ओ, ये इस बार लाइन पर बटके, ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 35 रन पर, दो विकेट पर 35 रन टोटल स्कोर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मिड विकेट पर बाहरी किनारा, शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते
और एक सिंगल इसी बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। मिड विकेट पर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा बाहर ही किनारा लगा और गेंद चली गई शॉर्ट पाइन लेग पर। स्कोर एक सिंगल के साथ आगे निकला टीम का सामने। राजा नाटेकर 33 रन पहले मैच में। कल जिस तरह से सैयद बद्दी ने एक बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी की थी, लंबे लंबे छक्के लगाए थे, और आज सुबह के मुकाबले में राजा नाटेकर ने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की। वो मैदान पर स्ट्राइक पर सामना कर रहे आने वाली अगली गेम का। अपने बॉलिंग मार पर थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे रोहित केळुसकर। ऑन साइड पर एक फील्डर को और बढ़ाया, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, ये ऑन साइड पर फील्डिंग की सजावट। यानी तीन फील्डर है, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक मिड विकेट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप और एक डीप एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड पर। ओ शफल होकर खेलना चाहते थे विकेट कीपर, लेकिन शायद बिल्कुल निश्चित रूप से हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि गेंद बल्ले से लगी या शरीर से लगकर निकली थी। विकेट कीपर ने बिल्कुल उनके हाथों से दो के गेंद छूटी थी, तो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं मैदान पर, लेकिन थोड़ा सा परेशान जरूर किया था राजा नाटेकर को। एक लंबा रन अप 18-20 कदमों का दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ओ इस बार गेंद क्या दूरी पार कर सकेगी जी, बिल्कुल लॉन्ग अप बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग अप बाउंड्री पर राजा नाटेकर के बल्ले से निकली ये सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे राजा नाटेकर के बल्ले से मिले 6 रन स्कोर के खाते में। आगे निकलकर खेला सामने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक बार फिर से रोहित केळुसकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ओ नो बॉल का इशारा, ओवर स्टेप हो गए, नो बॉल। कवर पॉइंट पर हल्के से ढकेला गेंद को, एक सिंगल बढ़ गया, यानी टोटल मिले 2 रन स्कोर के खाते में। ओवर स्टेप हो गए, लाइन जो है बिल्कुल उससे आगे पर, और इसीलिए नो बॉल का इशारा। तो टोटल मिले 2 रन स्कोर के खाते में, और अंपायर का इशारा होगा आने वाली गेंद के लिए, बिल्कुल जरूर होगा, जो कि पीरियड की गेंद का। इसी बीच में 2 रन और 2 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 44 रन 2 विकेट पर। 44 लॉस ऑफ 2 विकेट, फ्री हिट की गेंद, और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर जो कि सामना करेंगे उस फ्री हिट का, सुजीत देवड़ी। ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर फील्डर कैच तो जरूर पकड़ा था। फ्री हिट की गेंद, रन आउट का खतरा रहेगा जी, बिल्कुल बच, ओ देखना होगा आउट। बहुत अच्छा विकेट, रन आउट का विकेट, फ्री हिट की गेंद थी, कैच को पकड़ा, थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर इन पर, सामने विकेट कीपर के हाथों में थ्रो, और तब तक बिल्कुल खतरे में थे सुजीत देवड़ी। तीसरा धक्का लगा बांदेश्वर एससी मड़गांव क्रिकेट टीम को, और स्कोर आगे बढ़ा इस सिंगल के साथ 45 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डीजे
गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है वो गेंदबाजी करने के लिए। अब सामने राजा नाटेकर, ये बिल्कुल बिल्कुल बैटल देखने को मजा आ जाएगा, एक अच्छे बल्लेबाज एक अच्छे गेंदबाज। और हाफाली पर लेकर गेंद हवा में वाइड स्लॉन्गन बाउंड्री पर, और जब तक गेंद को आते उठाते फील्ड करते बिल्कुल खतरा था वहां पर, लेकिन इसी बीच में बच गए, एक रन मिला स्कोर के खाते में, बहुत अच्छी फील्डिंग। और अगर दूसरे रन की कोशिश होती तो मेरे ख्याल से खतरा हो सकता था, एक सिंगल बढ़ गया, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 46 पर। टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बांदेश्वर एससी बड़गांव क्रिकेट टीम। 6 ओवर का मैच दोनों के बीच में चलता हुआ मैदान पर। ऑन साइड पर बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन अच्छा थ्रो अच्छी फील्डिंग, एक सिंगल पर ही बिल्कुल रोक लगा दी फील्डर ने, एक रन और मिला स्कोर के खाते में। आने वाला मैच होगा तुवी क्रिकेटर्स कारापुर और जय मानसवीशर उबादंडा वेंगुरला, इन दो टीमों के बीच में अगला मैच होगा। दोनों कैप्टन नोट कीजिए, तुवी क्रिकेटर्स कारापुर और जय मानसवीशर उबादंडा वेंगुरले। ओ फुलर लेन की गेंद, बिल्कुल बैकफुट पर खेलना चाहते थे, एक बड़ा शॉट मिड विकेट पर, लेकिन अच्छी गेंद बल्लेबाज को बिल्कुल बीट करती हुई। खासियत है इस गेंदबाज की जो कि यॉर्कर के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, जिस तरह से महेश साकलकर, महेश बाइडकर, संदेश ठाकुर, गणेश कुबल, ये बिल्कुल जो कि यॉर्कर की गेंदबाजी के लिए शायद बिल्कुल जाने जाते हैं, उन्हीं में से ये नाम है बिल्कुल गौरीश कांबळी का। फुल टॉस कर ले पर फील्डर जी ढूंढो ढूंढो रे साजना मैदान पर, और गेंद इसी बीच में चली गई, देखना होगा अंपायर का इशारा, लेकिन शायद थोड़े से परेशान हो चुके हैं मैदान पर, परेशान बिल्कुल हो चुके हैं मैदान पर, मेरे ख्याल से बैट लग चुके पर जो कि मेरे ख्याल से पैर पर बिल्कुल कुछ, हाँ बिल्कुल 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 मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ वहां पर परेशानी हो चुके। आइए एक्स्ट्रा प्लेयर जो है टीम का, आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स की ओर चलिए। थोड़ा कुछ ना कुछ परेशान हो चुके मेरे ख्याल से राजा नाटेकर मैदान पर। योगेश खेल थोड़ी देर के लिए मैदान पर जरूर रुका हुआ, आने वाले मैच के लिए हम जानकारी दे चुके, लेकिन उससे के साथ जो पहला इनाम है वो जो स्पॉन्सर किया है 4,44,444 वो एडवोकेट सरपंच सर श्री अमित सावंत जिनके ओर से, और उन्हीं के साथ प्रशांत उर्फ बाड़ा नाइक पंच मेंबर है उनके ओर से ये इनाम है। दूसरा और तीसरा इनाम है, जो दूसरा इनाम है 3,33,333, तीसरा इनाम 2,22,222 ये वेल विशर्स की ओर से, और चौथा इनाम है जो 1,11,111 और वो इनाम स्पॉन्सर पुरस्कृत किया है डिक्सन डिसोजा जिनकी ओर से, जो खिलाड़ियों के साथ आप जर्सी देख रहे हैं बिल्कुल वो स्पॉन्सर की है, इन मेमोरी ऑफ लेट हिज फादर सर श्री अर्जुन सावंत, जो फुल टूर्नामेंट के लिए जर्सी स्पॉन्सर किए वो सर किरण सावंत पंच मेंबर मांद्रे जिनकी ओर से। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स में से, और उसी के साथ एक कॉल आप जरूर कर रहे हैं जो कि 6 ओवर का मैच है, आखिरी ओवर 6 ओवर की समाप्ति के बाद हाँ बिल्कुल देखा जाएगा चौका या छक्का। सर थैंक यू सर, तो हमारे तीसरे अंपायर जुड़ चुके, 4 या 6 की जांच होगी, जानकारी हम जरूर देंगे। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ मैदान पर, और इस मैच के बाद मैच होगा वो होगा तुवी क्रिकेटर्स कारापुर और जय मानसवीशर उबादंडा वेंगुरला, इन दो टीमों के बीच में। थोड़ी सी जानकारी, पहले दिन में ध्रुव वॉरियर्स पार्स से, दूसरे दिन में एसके जॉगिंग कांडका कल के दिन में, तीसरे दिन में ईशा एडवेंचर्स वास्को, और आज चौथी टीम पक्की होगी। पहली हैट्रिक सचिन पाठ जी की, मेडन ओवर देखने को मिला साहिल गाटवल जो राजाराम वॉरियर तलौड़े, मेडन ओवर रोहन नाइक रिलायंस आरंदा। तो अंपायर का इशारा, तीसरे अंपायर का 4 रन मिल जाएंगे स्कोर के खाते में बांदेश्वर एससी बड़गांव क्रिकेट टीम के लिए।
रिलायंस आरुंदा क्रिकेट टीम की ओर से रोशन पेडनेकर की हैट्रिक वो भी देखने को मिली और कल के दिन में ईशा एडवेंचर्स वास्को बसवराज मदार उर्फ बसु जिनके ओर से हैट्रिक और कल के दिन में बोतम वॉरियर्स वेंगुर्ला क्रिकेट टीम की ओर से टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक वासुदेव गावड़े 56 रन बनाए जो कि टूर्नामेंट की पहली 50 इस मैदान पर। तो ये था लेखा जोका, 100 से भी ज्यादा रन बनाए वो साहिल आरोलकर जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 123 रन 123 जो सबसे ज्यादा रन जो बनाए वो बनाए साहिल आरोलकर ने। तो ये था लेखा जोखा पिछले तीन दिन का। आज चौथे दिन के शाम बिल्कुल क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, लेकिन उससे पहले ये मैच महत्वपूर्ण दोनों के बीच में राजाना टेकर ठीक ठाक दिखाई देते हुए और इसी बीच अगले गेंद का सामना करते हुए गौरेश कांबड़ी अपने बॉलिंग मार्ग पर पिछले गेंद पर मिले 4 रन स्कोर के खाते में। स्कोर हो चुका है टोटल 51। हापाली पर लेकर गेंद को खेला, शायद थोड़ी सी परेशानी। मेरे ख्याल से राजा नाटेकर वापस आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ जिस शॉट खेला था, शॉट के बाद जो उन्होंने गिर के लिए वहां पर उनको मालूम हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हूँ खेलने के लिए और वापस आ रहे। मेरे ख्याल से बांदेश्वर SC मड़गांव क्रिकेट टीम के लिए ये बहुत जो कि बुरी खबर होगी जो कि उनका नहीं होना मैदान पर, क्योंकि पिछले मैच में लय में थे, बड़े शॉट लगाए थे, इस मैच में भी बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके आने के बाद तो आउट जो कि बिल्कुल उनको भी रिटायर्ड आउट और नए बल्लेबाज समीर मैदान पर निकलते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर रुका हुआ 51, लॉस ऑफ 4 विकेट, 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गौरेश कांबड़ी गेंदबाजी कर रहे, सामने नए बल्लेबाज आ चुके समीर मड़गांवकर। समीर मड़गांवकर जो कि एक्स ब्रांड बिल्कुल उन्हीं का जो कि प्रोडक्शन है, शानदार टी शर्ट डिजाइंस वो समीर मड़गांवकर मैदान पर। सामना कर रहे गौरेश कांबड़ी की गेंदबाजी का, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 51-51। ओ मिस टाइम शॉट, विकेट के पर गेंद के नीचे और इसी के साथ समीर मड़गांवकर वापस बिना खाता खोले शून्य पर। पांचवा धक्का लगा बांदेश्वर SC मड़गांव क्रिकेट टीम को, 51 लॉस ऑफ 5 विकेट। डीसे ना होगा टोपन्ना क्या करते हैं इस ओवर में। ओवर पिच गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छी शुरुआत टोपन्ना लोहार की गेंदबाजी में, तेज रफ्तार के साथ अच्छी लाइन पर ऑन साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग गन, एक लॉन्ग गन बाउंड्री पर, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, ऑफ साइड पर एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लॉन्ग अप छोड़ा। इस बार लाइन पर बट के लेग्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। 52 लॉस ऑफ 5 विकेट, 52 रन 5 विकेट पर। अंतिम ओवर का खेल जारी है, छठे ओवर का, और इस ओवर के बाद हम कॉल कर रहे एक बार फिर से जो कि अगले मैच के लिए तुवी क्रिकेटर्स कारापुर और जय मानसी शरुबादा नवेंगुरला, आपको टॉस के लिए आना पड़ेगा इस ओवर के बाद। इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद के नीचे, जी बिल्कुल आराम के साथ
कैच को पकड़ते हुए सफलता और एक मिलती हुई पिक स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम को। डीजे थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज मैदान पर शेखर राहुल, पिछले मैच में किफायती गेंदबाजी की थी, फिर की गेंदबाजी और मैंने हेलीकॉप्टर शॉट सामने अपने पालोत्र में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्लॉग ओवर आखिरी ओवर का खेल जारी है मैदान पर। एक वाइड बॉल, अब तक तीन गेंदों का खेल। टोपन लोहार बहुत किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने एक बड़े शॉट की दरखास्त है मैदान पर बांदेश्वर एससी मड़गांव क्रिकेट टीम को। ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। रन की कोशिश, रनआउट का मौका बनेगा, शेखर को वापस आना पड़ेगा। और एक विकेट खोती हुई, सातवां विकेट वापस चला गया। बांदेश्वर एससी मड़गांव क्रिकेट टीम का स्कोर बोर्ड पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ 52, लॉस ऑफ 7 विकेट। डीजे थैंक यू डीजे। तो एक बड़ा शॉट लगा, लास्ट बॉल टू गो, आखिरी गेंद। फुल टॉस गेंद, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? कोशिश तो होगी बिल्कुल। मिड विकेट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, बहुत शानदार थ्रो, आउट। रनआउट का मौका बना, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, आठवां विकेट चला गया बांदेश्वर एससी मड़गांव क्रिकेट टीम का। टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम को, फील्डिंग को न्योता दिया और अब सामने टारगेट रखा है। 6 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ और 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है स्कोर बोर्ड पर 59, यानी 60 रन का टारगेट है। अच्छा टोटल है, 10 रन के बनाने पड़ेंगे, टोटल 60 रन का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। 59 हो चुके, 60 का टारगेट है। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी गेंदबाजी होती है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कॉल कर रहे हैं, आइए दोनों टीम कैप्टन, टॉस के लिए अगला मैच तू भी क्रिकेटर्स कारापुर और जय मानसेश्वर उबादंडा वेंगुरला, दोनों कैप्टन आइए। मेरे ख्याल से जय मानसेश्वर उबादंडा वेंगुरले क्रिकेट टीम के कप्तान आ चुके हैं कॉमेंट्री बॉक्स के सामने। तू भी क्रिकेटर्स कारापुर क्रिकेट टीम, आइए सर, आइए सर, टॉस के लिए आइए प्लीज। 6 ओवर का मैच होगा दोनों के बीच में, इस मैच के बाद तुरंत मुकाबला होगा, तो आइए दोनों टीम कैप्टन, आपका स्वागत है कॉमेंट्री बॉक्स में। एक बार फिर से जुड़ जाते योगेश परब के साथ।
संघिक धावपळ धावपळकावर बघितलं 59 धावा धावपळकावर राजा राटेकरला दुखापत झाली येथे दोन शॉट अजून बघायला मिळाले असते बांदेश्वर एस सी मडगाव क्रिकेट संघाच्या कोट्यामध्ये. पण येणाऱ्या कालखंड येणार 6 षटकांचा सामना आहे 36 चेंडू 60 धावा फाइटिंग टोटल आहे धावपळकावर. आज कार्य करावं लागेल. जय मानशेश्वर रुबादांडा संघ टॉसवीर होतोय प्रथमता क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि या मैदानावर कारापूर क्रिकेट संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. तुम्ही क्रिकेटर्स कारापूर क्रिकेट संघ यानंतरचे सामने प्रथम फलंदाजी करेल. सलामीची बिनीची जोडी मैदानावर गोकुळदास उर्फ गोटे राडे मैदानावर सकाळ सत्रा जण सुरुवात दिमाखात केली आहे तो फलंदाज त्याच्या साथीला मैदानावर राहुल राणे आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज आलाय बांदेश्वर एस सी बडगाव क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून 60 या धावसंख्येचा बचाव करण्यासाठी सुजित देवळी. पंचांचा सामना सोडण्याचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. महत्वाचा सामना जो संघ विजय होईल तो क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करेल. जो संघ पराभूत होईल त्याला या स्पर्धेमध्ये थांबावं लागेल नमस्कार करावं लागेल मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफीला. पहिला चेंडू ठिकाणी स्क्वेअर कटचा फटका टोलवायचा होता डायरेक्ट हिट लावायचं होतं मैदानावर पंचांकडे अपील जरूर झालाय पंचाने थर्ड अंपायरकडे या ठिकाणी नोंद केली आहे. तिसरे पंच आमच्या ठिकाणी उपस्थित आहेत योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर आणि टेनिस क्रिकेट डॉट इनचं पुन्हा एकदा काम वाढलंय. तिसऱ्या पंचांकडे बागडे अपॉइंट करतोय सुंदर या ठिकाणी परतीची फेक होती पॉकिंग पिच असून दूर होता थोडासा राहुल राणे सुरुवातीला. नॉट आउट निर्धाव चेंडू धावपळकावर काढला जातोय. जशी ताकद लावायची आहे मैदानावर बांदेश्वर एस सी बडगाव क्रिकेट संघाला ती ताकद सुरुवातीपासून पाहायला मिळत आहे आणि प्रतिस्पर्धी संघाकडे तगडी फलंदाजी आहे. पण संयमी क्रिकेट आणि संयमी क्रिकेट नंतर आक्रमण करावं लागेल मैदानावर. पी के स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघ 60 या धावसंख्येचा पाठलाग करतोय. उर्वरितचे चेंडू बाकी आहेत आता 35 चेंडू 60 धावा हे समीकरण आहे. हलक्या हाताने खेळण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आलाय डायरेक्ट हिट लावण्याचा प्रयत्न होता प्रयत्न सफल राहिला मैदानावर बॅकअप पाहिजे होता मैदानावर. आज ताकद लावावं लागेल दोन्ही संघांना. एकेरी धावसंख्येनं श्री गणेश केलाय धावपळकावर तो पी के स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघानं 60 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना एक धाव धावपळकावर षटक क्रमांक पहिलं प्रगतीपथावर दोन चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. गोकुळदास उर्फ गोट्या राणे आणि नॉन स्ट्राईकला राहुल राणे राणे बंधूंची जोडी आपण पाहतोय मैदानावर. गोलंदाजी मार्गवर दोन चेंडूंचा खेळ समाप्त एक धाव धावपळकावर सुजित देवळी सज्ज झालाय. बांदेश्वर एस सी मडगाव संघाच्या कोट्यातून राजा नाटेकरला या मैदानावर थोडीशी दुखापत आहे आणि दुखापतीनंतर तो पुन्हा एकदा या मैदानावर थोडासा दुखापत झालाय. त्याच्या बॅटमधून बहरलेली फलंदाजी चालू होती मैदानावर. हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न रचित केली वेगाना याचा प्रयत्न केलाय. नॉन स्ट्राईकला या मैदानावर फटकाचे येणार कालखंडाने नॉन स्ट्राईकला ठोकला असता गोलंदाजानं तर येणाऱ्या कालखंडामध्ये थोडंसं धावचीच्या स्वरूपात माघारी पण परतावं लागलं असतं. जोखीम पत्करतोय मैदानावर पी के स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघ येणाऱ्या कालखंडामध्ये प्रत्येक धाव लाख मोलाची आहे प्रत्येक धाव कशाशीने घेण्याचा प्रयत्न करतोय. तर शर्तीचे प्रयत्न चालू आहेत मैदानावर बांदेश्वर एस सी मडगाव संघाच्या कोट्यातून.
वेगाने टाकला, वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी पसंत केले आणि राहुल राणेच्या स्लॉट मधील चेंडू त्याने पटवलाय प्लॉट मध्ये हा 6 धावसंख्येसाठी। आकाश शुरपडंबाचं खूप खूप धन्यवाद असेल, सुंदर काम करतोय, लगेच चेंडू पर्यंत ऍडिकरी आमच्यापर्यंत पोहोचतोय, ग्राउंड मध्ये पोहोचतोय, त्यासाठी त्याला दाद द्यावी लागेल। काल आकाश शुरपडंबा खूप धावलाय सय्यद बद्दी, आक्रमण केलं सय्यद बद्दीनं आणि आता राहुल राणे पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याची डाकण्याचा प्रयत्न होता। एकेरी धावसंख्येनं सांख्यिक धावपलक धावपलकावर आपण पाहतोय, 9 धावा धावपलकावर। गौरेश कांबळीनं सांगितलंय पहिल्या 3 षटकांमध्ये कशाही 30-35 धावा जमवा, उर्वरीच्या 3 षटकांमध्ये गजानन सूर्याजी येईल तो आक्रमण करेल। आक्रमण करणारा खेळाडू आहे मैदानावर नितेश राऊळ, आक्रमण करणारा खेळाडू। हे पीके स्पोर्ट्स संघाचे विचार केला तर शेवटच्या षटापर्यंत बॅटिंग आहे। हरी गौडा पाहायला मिळेल एका बाजूनं, फटका बसलाय, मिस टायमिंग फटका आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आहे, सुंदर झेल टिपलाय मैदानावर। मळगावचा सुलतान रंजन केणे आला स्क्रीनवर, झेल टिपलाय आणि गोट्या राणेची आली आहे खेळ संपुष्टात। गोलंदाजी भरभर गोलंदाज सज्ज झालाय समीर मळगावकर, आपण पाहतोय कमेंट्री बॉक्स जवळून सुरुवात करेल। सोडून दिला तो पहिला चेंडू, लिस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू, पंच दोनात समांतर करतायत, स्वेअर चेंडूचा इशारा करतायत। अवंतरच्या स्वरूपात सांख्यिक धावपलक धावपलकावर 1 या धावसंख्येनं 10 धावा धावपलकावर, 10 धावा धावपलकावर षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर। हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न, शॉर्टेड बॅनचा क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय। पहिला प्रयत्न फ्रंबल परतीचे पेक, एकेरी धावसंख्येची लढ, सेन्सिबल क्रिकेटकडे लक्ष देण्या मैदानावर। राहुल राणेच्या बॅटमधून एक मोठा फटका जरूर आलाय आणि त्यानंतर मैदानावर जितेंद्र दांगोजीला स्ट्राईक द्यावी, तो मॅच फिनिशर आहे, लक फॅक्टर आहे पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघासाठी। संघिक धावपलक धावपलकावर 11 धावा धावपलकावर, पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय, पहिली धाव बोनसच्या स्वरूपात समीर मळगावकरनं आपल्या कोट्यातील दिली आहे आणि प्रतिस्पर्धी संघाचा 1 न फायदा होत संघिक धावपलक धावपलकावर 11 धावा धावफलकावर। आडव्या बंड फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, बॅकफुटला जायचं होतं, फटका बनवायची होती, जागा बनवायची होती डिप स्क्वेअर लेग डिप फाईनला जितेंद्र दांगोजीला, टप्पा पडला जो चेंडू थोडस वेगाने टाकलेला चेंडू, यष्टीरक्षक सुजितच्या हातामध्ये गेलाय चेंडू, निर्धाव चेंडूची गणना होत आहे। जेवढे निर्धाव चेंडू येतील तेवढा टायनचा आवाज आपल्याला पाहायला मिळेल तो येणाऱ्या कालखंडामध्ये बांदेश्वर बांधा एस सी मळगाव क्रिकेट संघाच्या कोट्यामध्ये। आडव्या बॅटनं फटका मारण्याचा प्रयत्न, चपदी लगेच डीप फलंद कार्पेट पद्धतीचा फटका डीप स्क्वेअर लेगला, परतीची फेक, तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर, 1 या धावसंख्येनं सांख्यिक धावपला धावपलकावर जो स्थिरावला होता तो पुढे सरकलाय 12 धावा धावपलकावर। प्रति षटकामध्ये 10 सरासरीनं खेळायचं आहे, प्रति षटकामध्ये 1 मोठा फटका वाचवायचा आहे तो बांदेश्वर एस सी मळगाव क्रिकेट संघाला। हे दोन संघ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तगडे संघ आणि आज या मैदानावर परस्परांविरोधात लढत करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत।
कोलवर टप्पे चेंडू सुंदर नेत्र दीपक पटका लेदर वर्ग के आठवन कर पटका चेंडू थाम नहीं है चेंडू सीमा रेषे बाहर चार दबन एस एस बजाओ रेडी क्रिकेट संघासाठी पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन फटका टोलवायचा होता स्क्वेअर कटचा गॅप मधून खेळायचा होता पॉइंट आणि कव्हर पॉइंटच्या मधून असफल राहिलाय निर्धाव चेंडूची गडदाई धावपळ करत आहे एक तेरीवर एक मेरे ही रणनीती रंगली मैदानावर निर्धाव चेंडू धावपळ कव्हर सुरेख गोलंदाजी सुरेख गोलंदाजी निर्धाव चेंडू षटकाची झाली आहे सांगता सांगिक धावपळ धावपळ कव्हर 60 या धावसंख्येचा पाटला करत असताना पहिल्या दोन अनिवार्य पॉवर प्ले षटकांचा खेळ समाप्त होतोय 16 धावा धावपळ कव्हर उर्वरितचे अजून 24 चेंडू बाकी आहेत आणि उर्वरितच्या 24 चेंडू मध्ये येणाऱ्या कालखंडाने 60 या धावसंख्येचा पाटला करत असताना 44 धावांची आवश्यकता आहे 24 चेंडू विजयासाठी आता मात्र 44 धावांची आवश्यकता हे समीकरण असेल एका खेळाडूला अटॅक करावं लागेल आक्रमकता हे बचावाचं साधन अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स संबोधलं जात आहे आणि ते आक्रमण पसंत करावं लागेल तर प्रतिस्पर्धी संघाला प्रति षटकामध्ये एक मोठा फटका वाजवायचा आहे आणि गोलंदाजी मार्गावर कोणाची वर्णी लागत आहे ज्याच्याकडे क्षमता आहे ज्या गोलंदाजानं अनेक कित्येक स्पर्धेमध्ये बहुमान मिळवलाय उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून एम फ्रॉम मणगावचा फिरकीचा जादू घाजाची ख्याती गिरती आहे फिरकी गोलंदाजी करून फलंदाजांना नाचवतोय तो शेखर राव सज्ज झालाय स्ट्राईकला जितेंद्र नॉन स्ट्राईकला राहुल राणे आणि गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज झालाय फिरकीचा जादूगार शेखर राहुल हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न होता मैदानावर एकेरी धावसंख्येने सांख्यिक धावपळ धावपळ कव्हर लेगबाईच्या स्वरूपात एकदावी बहाल झाली आहे सांख्यिक धावपळ धावपळ कव्हर 17 धावा धावपळ कव्हर 17 पैकी 17 कोणासाठी असेल येणारा वेटर होते मैदानावर एका गोलंदाजासाठी असेल की फलंदाजासाठी असेल समीकरण मैदानावर 23 चेंडू विजयासाठी 43 धावांची आवश्यकता तिसरं षटक प्रगतीपथावर पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय लेगबाईच्या स्वरूपात एकदावी बहाल झाली आहे सुरेख गोलंदाजी मैदानावर टप्पा पडला चेंडू थोडासा बाहेर झाला ले ब्रेक पद्धतीचा चेंडू फलंदाज बघत राहिला फलंदाजाला प्रश्नचिन्ह उभं केलं या चेंडूनं आडव्या बॅटने पटकन टोलवायचा होता ऑफसाईड चेंडू ऑनसाईडला खेचायचा होता मैदानावर निर्धाव चेंडूची गडदा सुरेख गोलंदाजी पुढे सरसोबत मारायचा होता सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतो शेखर राहुल ज्यासाठी त्याची खासियत त्यानं ती चालू केली आहे मैदानावर खासियत सांख्यिक धावपळ धावपळ कव्हर 17 धावा धावपळ कव्हर 17 पैकी 17 हा कोणत्या संघासाठी असेल मोठा फटका आला तर एस सी मडगावसाठी आणि तो खतरा होता तो पी के स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघासाठी ज्या राहुल राणेने या मैदानावर एक मोठा फटका टोलवला होता धावपळक ठीकठाक केला होता तो माघारी परतलाय पी के स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघाचा 17 धावा धावपळ कव्हर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय आणि नवीन खेळाडू मैदानावर अक्षय राणे थँक्यू
चार चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 17 धावा धावपळ कबर मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 चा क्रिकेटचा लढा संग्राम जणू काही विद्यमान सोहळा मैदानावर सामना रंगलाय. पीके स्पोर्ट रेडी विक्ष या मैदानावर आल्या आल्या मोठा फटका शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू शॉर्टम पूल की आहे की मैदानावर आणि या शॉर्टम पूल या मैदानावर अनसक्सेसफुल झेल टिपलाय मैदानावर. रंजन केणीनं या मैदानावर झेल टिपलाय. रंजन केणी तिथे एकदम उभा आहे विश्वासानं आणि जे फलंदाजाची धोक्याची घंटा बसलेली आहे की काय. आजच्या दिवसातील हे झेल कॅच ऑफ द डे स्पर्धेतील कॅच ऑफ द डे असेल मैदानावर. रंजन गिणीसाठी टायनचा आवाज झालाय. सुंदर झेल टिपले मैदानावर प्रथमतः वाटलं होतं चेंडू बाहेर गेला की काय. तर अंपायर साठी या ठिकाणी खून केली आहे. क्रिकेट डॉट इन चं कार्य या ठिकाणी पुन्हा एकदा वाढलंय. रंजन गिणीनं झेल पकडलंय. मैगावचा सुलतान कोणाची सकाळी सतरा धावा धाव पलकाभर 17-17 कोणा कोणत्या संघासाठी होता मैदानावर. फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी की गोलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी राहुल राणेनं काय फटका टोलवला होता मैदानावर आणि त्याहून मोलाचं अक्षय राणेनं या मैदानावर. राहुल राणे माघारी परतला बंधूवाला बंधूनं मोठा फटका टोलवलाय. फटका फसलाय की काय मैदानावर. थर्ड अंपायरांकडे फलंदाज ओ यू टी आउट. संघाचा स्टारकास्ट खेळाडू मैदानावर गजानन सूर्याजी हा संघाचा स्टारकास्ट खेळाडू आहे. स्पर्धेत तब्बल 4 हॅट्रिक झाल्यात. हॅट्रिक ऑनचा चेंडू घेऊन तिरकेचा जादूगार शेखर राहुल मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता गजाननचा. शरीरशील चेंडू आढळला तो सुंदर षटकाची आली सांगता एका ट्रॅनचा आवाज करून देणारी षटकाची आली आहे सांगता. सांघिक धावपळ धावपळकाभर 17 धावपळकाभर या षटकामध्ये धावा फक्त आली आहे एक ती पण लेगबायच्या स्वरूपात. गडी बाद झाले महत्वाचे 2 आणि 3 चेंडू निर्धाव हा शेखर राहुलचा लेखा चुका. मध्यंतराचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावपळ धावपळकाभर 17 धावा धावपळकाभर अजूनही 18 चेंडू आणि 18 चेंडू 60 या धावसंख्येचा पाठला करत असताना पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघासाठी जितेंद्र नागोजी आणि गजानन सूर्याजी मैदानावर आहे. तोपर्यंत पीके स्पोर्ट संघासाठी पूर्ण आशा पल्लवीत आहेत. सर्व रेडी गावचे त्यांना वायदा आहे. हे 2 खेळाडू मैदानावर शेवटच्या षटापर्यंत राहिले तर मॅच फिनिश करतील. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज झालाय. गणेश कांसे
सुंदर षटकाची सांगता आली. शेखर राहुळची आपण बघितली, दोन कडी बाद एक धाव खर्च केले, तीन चेंडू निर्धाव हा त्याचा लेखा जोगा. पंचाने दंडात्मक केलंय, यावर लक्ष असायला पाहिजे होतं कर्णधाराचा या मैदानावर. पंच शेखर पंच बारा गावचे पाणी पिलेले आहे, पंचाने बघितलंय तुला, दंडात्मक केलंय आणि नऊ चेंडूचा इशारा केलाय. फ्रीडचा चेंडू आहे, भरपूर क्रिकेट खेळलाय तिन्ही पंच, गोवा राज्यातील मान्यताप्राप्त पंच आहेत आणि पंचाने दंडात्मक केलंय म्हणजे येणारा चेंडू हा सुवर्ण क्षण असेल. पी के स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघासाठी येणारा चेंडू फ्रीडचा चेंडू आहे. सुंदर चेंडू आपण पाहतोय, खोदून काढलाय बैदरावर. प्रतीची फेक तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर, एक या धावसंख्येनं सांख्यिक धावपळ धावपळकावर. रंजन केडीनं या ठिकाणी प्रतीची फेक केली वेगानं. रंजन नेहमी आक्रमक असतो, दिसताना शांत दिसेल पण तो खेळताना मैदान नक्की आक्रमक असतो. 19 धावा धावपळकावर गजानन सूर्याजी, संघाचा हुकमेक का, संघाचा मॅच फिनिशर या खेळाडूकडे क्षमता आहे. या वर्षीच्या मोसमात, हल्लीच्या मोसमात, हल्लीच्या वीक मध्ये त्यानं बहरलेली गणेश बॅकफुटला जाऊन फटका टोलवायचा होता. शेखरराव चेडूस दूर राहिला, रंजन केणी वेगानं आलाय. रंजन केणी स्क्रीन वर दिसला आणि एकच त्यावर समाधान मानलंय. पी के स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघाच्या बाजूने एक या धावसंख्येने 19 धावा धावपळकावर आपण पाहतोय. 20 धावा धावपळकावर पहिला चेंडू दंडात्मक केलं या मैदानावर. ते क्षेत्ररक्षण चुकलं होतं बांदेश्वर एस सी मडगाव क्रिकेट संघाच्या बाजूनं. अजूनही 40 धावांची आवश्यकता आहे. शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू होता, शॉर्ट टर्म पुलचा फटका टोलवायचा होता. थोडं गती परिवर्तन करून टाकलेला चेंडू या मैदानावर. जितेंद्र नागोजी नाराज झालाय, जितेंद्रच्या स्लॉट बद्दल चेंडू होता. जितेंद्र नाराज काय झालाय, हा चेंडू टोलवायचा होता. संधी आली होती मैदानावर पण संधी हुकली मैदानावर. निर्धाव चेंडू धावपळकावर, 20 धावा धावपळकावर, अजूनही 40 धावा करायचा आहे. पी के स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघाला नितेश रावळी, गौरेश कांबळी येणं बाकी आहे. गजानन सुरेला हात खोलायचे आहेत. पुन्हा एकदा मोठा फटका, सुंदर मिनी हेलिकॉप्टर पद्धतीनं खोदून काढलाय डीप मिड विकेटला. गगनाला गवस्ती घालणारा फटका, चेंडू सीमा रेषेबाहेर 6 धावांसाठी. डीजे एस एस बजाव. थँक्यू. 26 धावा धावपळकावर आपण पाहतोय. 26 धावा धावपळकावर षटक क्रमांक 14 आहे. प्रगतीपथावर 60 या धावसंख्येचं पाठलाग करतोय मैदानावर. सुंदर चेंडू यॉर्कर, एक तेरी और एक मेरी, परफेक्ट यॉर्कर. गणेश कांसेनं या मैदानावर दाखवून दिले कम्पॅक्ट करणारी गोलंदाजी. या गोरचा चेंडू थोडा सावर पिच मध्ये त्यावर हल्लाबोल केला मैदानावर जितेंद्र नागोजीनं. 26 धावा धावपळकावर. आडव्या बॅटनं फटका खेळायचा होता, घुटणात एक सिक्सर देख वाला फटका टोलवायचा होता मैदानावर. सुंदर गोलंदाजी ही, कमबॅक करणारी गोलंदाजी मैदानावर. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 26 धावा धावपळकावर, विजयासाठी 12 चेंडू, 12-34 हे समीकरण आहे. समोर आहे मैदानावर गजानन सूर्याजी. हे षटक महत्वाचं असेल पी के स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघासाठी. समोर असेल बहुतेक करून फिरकीचा जादूगार, ज्या गोलंदाजानं एकच धाव दिली आहे, दोन गडी बाद केले आहेत, तो गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल, तो शेखर राहुल. पण बघूया येणाऱ्या कालखंडामध्ये दिग्दनादन फटकेबाजी करणारा गजानन सूर्याजी नेत्रे व पद्धतीची खेळी कोण विसरेल. गिरोबा मित्र मंडळ शिरोळ्याच्या स्पर्धेमध्ये पहिल्या षटकात दोन गडी बाद होते, 4 धावा झाल्या होत्या आणि 92 धावांचा पाठलाग करत असताना 7व्या षटकामध्ये सामना त्यानं समाप्त केलाय. 16 चेंडू 62 धावांची बहारदार खेळी आणि ती आक्रमक खेळ आठवावी लागेल, खेळावं लागेल. पण समोर फिरकीचा जादूगार आहे, तो गजाननला नाचवतोय की गजानन आक्रमण करतोय.
सुंदर गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी, वळण घेतलंय चेंडूना, गजानन बघितलं चेंडूकडे, थोडस बाहेर केलं चेंडू, गजाननचा इरादा होता ऑफसाईडचा चेंडू होता, लेग ब्रेक पद्धतीचा खेचून टोलवा व डीप मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेगला, प्रयत्न प्रयत्न राहिलाय. कोलवर टप्प्यावर चेंडू या मैदानावर, शर्तीचे प्रयत्न केले क्षेत्ररक्षकाला, क्षेत्ररक्षक वेगानं आलाय, परतीची फेगी नॉन स्ट्रायकर एंडला आणि एकीर धावसंख्येनं सांघिक धावपळ, धावपळकाबर आपण पाहतोय 27वा धावपळकाबर, चेंडू निर्धाव जातील, समीकरण वाढत जातंय पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघासाठी. अविन मुकेशने गोट्या राणेचा फटका फसला सुरुवातीला, कारण गोट्या राणे हा पीके स्पोर्ट रेडी संघाचा पाया मजबूत करणारा फलंदाज होता आणि जो त्यावेळी माघारी परतला आणि त्यानंतर संत गतीनं सुरुवात झाली आहे. मोठा फटका आलाय, बराच वेळ चेंडू हवेमध्ये, छोटा दिसतोय मैदानाच्या बाहेर, तीन चार खेळाडूवाले ग्रामसभा लागले पण नो मॅन्स लाईन मध्ये चेंडू डायरेक्ट हिट केलाय मैदानावर, पंचांकडे अपील केलाय, टेनिस क्रिकेट डॉट इन चं सर्वांचं काम पुन्हा एकदा वाढलाय. अंपायर योगेश्वर मुन्ना दाबोलकर पाहतील योग्य तो निर्णय असेल मैदानावर. दोन धावा जर पूर्ण केल्या असतील तर ह्या दोन धावा गणल्या जातील आणि त्यानंतर जितेंद्रचा शर्तीचा प्रयत्न आहे. जितेंद्र सांगतोय गजानन तू फक्त सुरुवात कर, शेवट मी गोड करतोय हे गजाननं सांगितलंय. गोकुळदास रूप गोट्याची थोडीशी निराशा पाहायला मिळते, त्याला माहिती आहे जर गज नॉट आउट दोन धावा धावपळकावर गणल्या जात आहेत. सुवीर धावसंख्येनं सांघिक धावपळ धावपळकावर पाहतोय 29 धावा धावपळकावर, 29 धावा धावपळकावर मिस टाइमिंग फटका होता. नऊ चेंडू 31 धावांची आवश्यकता. आडव्या बॅटनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. शेखरनं सांगितलंय थांब, फक्त समीर हातामध्ये चेंडू पकड, उर्वरितचं कार्य मी करतोय. सुंदर गोलंदाजी, पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघाला नाचवणारे गोलंदाजी, काय या खेळाडूचं कौतुक केलं आणि कौतुकास्पद कामगिरी करायला सुरुवात केली मैदानावर. आडव्या बॅटनं फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागतंय की काय गजाननला असं वाटलं होतं. गजाननसाठी शर्तीचे प्रयत्न केले होते. लिगबाईच्या स्वरूपात एकीर धावसंख्येनं 30 धावा धावपळकावर आपण पाहतोय. पीके स्पोर्ट रेडी संघाकडे शेवटच्या क्षणापर्यंत फलंदाजी आहे पण या दोन खेळाडूंना झुंज द्यावी लागेल मैदानावर. षटकाची सांगता करणारा अजून या षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि अंतरिम चेंडू खेळण्यासाठी दीदादादन फटकेबाजीसाठी प्रसिद्ध असलेला मॅम फ्रॉम रेडीचा गजानन सूर्याजी सज्ज झालाय. आडव्या बॅटनं वारंवार फटके टोलवायचा आहे. सुंदर षटक अधिकारी पाहायला मिळत आहे. टायांचा आवाज करूया तो शेखर राहुलसाठी. पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघाला त्यानं अक्षरशः रोखून ठेवलं मैदानावर. सुंदर गोलंदाजी केली. या षटकामध्ये विचार केला तर फक्त धावा दिल्या या मैदानावर. फक्त चारच धावा फक्त खर्च केल्या आहेत. 30 धावा धावपळकावर, एक षटक, 30 धावांची आवश्यकता आहे. जितेंद्र नागोजीने हे कारनामे केलेले आहेत. तो लक फॅक्टर आहे पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघाचा. पहिल्या चेंडूवर जर मोठा फटका आला मित्रांनो तर मॅच पण फिनिश करू शकतो जितेंद्र नागोजी. ही त्याच्याकडे ताकद आहे. नितेश राहुल त्यांच्या कोट्यावर, नितेश राहुलला का मागे ठेवलं? अक्षय राणेची ज्यावेळी वर्णी लागली त्यावेळी नितेश यायला पाहिजे होता. काहीतरी चुकलंय पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघासाठी. पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघाच्या कोट्यामध्ये एक धमाका होता आणि तो धमाका अजूनपर्यंत मैदानामध्ये नाही आहे. अक्षयला संधी दिली, अक्षय बाद झाला. शून्य धावसंख्येवर 6 चेंडू 30 धावा. आडव्या बॅटनं फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. प्रयत्न असफल राहिलाय मैदानावर. राजा नाटेकरनं श्वास घ्यायला सुरुवात केली आहे. हा चेंडू जर नीट आला तर राजा नाटेकरनं श्वास घ्यायला सुरुवात होईल. शेखरची दिलकी धडकन वाजते आहे. देवा तू पाव, देवा तू पाव. जरी मी षटक टाकले आहेत तरी मॅच फिनिशर समोर आहे.
सुंदर चेंडू टायन्स आवाज करून देतोय चेंडू या मैदानावर मूर्ती लहानपण कीर्तिमान बांदेश्वर बांदा एस सी मळगाव क्रिकेट संघ या बाजूने खेळत असताना तर दुसऱ्या बाजूने आता मात्र कब्जा केलाय मैदानावर चार चेंडू विजयासाठी 30 धावांची आवश्यकता आरव्या बॅट फटके येत आहेत मैदानावर नितेश राऊ मागे कहा राहिला सहा षटकांचा सामना होता नितेश राऊन आक्रमण सकाळी केलं होतं गोट्याराने लवकर बागारी परतला जेलबाजच्या स्वरूपात आणि पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघासाठी सामना थोडासा बॅकफुटला आला मी म्हणेन सतरा धावा असताना दोनकडे लागोपाठ बागारी परतले राहुल राणे आणि अक्षय राणे स्वेअर चेंडूचा इशारा अवंतच्या स्वरूपात एकेरी धाव संख्येनं 32 धावा धाव फलकावर यानंतर सामना असेल जय मानशेश्वर उभा दांडा विपक्ष टू वी क्रिकेटर्स कारापूर मोठा फटका मारलाय गजानन गजानन पण उशीर झालाय मित्रा हे फटके अगोदरच्या दोन षटकांमध्ये पाहिजे होते दोन मोठे फटके प्रयत्न शर्तीचे केले होते पण गोलंदाजीनं शेखर राऊन अक्षरशः नाचवलंय त्याचं स्मित हास्य सांगतंय राजाला सांगितलंय त्यानं राजा मी काम केलंय तुला आराम दिलाय तू फक्त एका मॅच मध्ये खेळायचंय फटकेबाजी सुंदर आपण पाहतोय चौफेर फटकेबाजी गजानन सुरू जरूर केली आहे पण मित्र उशीर झाला नितेश राऊ आमच्या स्क्रीन सोबत नाराज झालाय कारण हा एक धमाका होता रेडी क्रिकेट स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघासाठी हा कुठच्याही गुरुंदाला कुठच्या क्षणी पण षटका टोलावू शकतो असा खेळाडू होता आणि त्याला त्यांच्या कोट्यावर तसाच राहिला तो काहीतरी धीरा चोकला कर्णधार गौरीश कांबळीचा की काय अलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न केलाय जबळजबळ औपचारिकता होती समाप्त झाली आहे मॅच विन झालाय बांदेश्वर एस सी मळगाव क्रिकेट संघ या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच वन अँड ओनली ज्या खेळाडूनं या मैदानावर फलंदाजी तगडी होती पी के स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघासमोर आणि ज्या गोलंदाजानं मैदानावर अक्षरशः नाचवलं त्या एका बाजूनं या मॅचचा